हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई का तो ज़बरदस्त ख्याल रख रहे होंगे। स्टूडेंट्स, एक बात बता दें, कुछ बच्चों ने मुझे व्हाट्सएप करके कहा कि सर आप क्या करें पढ़ाई का, हम लोग तो पानी में डूबे हुए हैं। बिहार के निवासी हैं और कुछ जिला बिहार का पानी में डूबा हुआ है और उसी में हम लोग फंसे हुए हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता रहा हूँ, चलो कोई बात नहीं, आप तैरना तो सीख लो इसी बहाने, और मैं भी कल अपने गाँव जाऊँगा और पानी में डूबते हुए आपको पढ़ाऊँगा, आपको मज़ा आएगा। लेकिन फिलहाल आपको एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक, बहुत ही छोटा, बहुत ही प्यारा, रियली बहुत छोटा एक टॉपिक पढ़ाने वाले हैं, जिंक का निष्कर्षण। तो ये जल्दी से तैयार हुई, 5 से 10 मिनट में समाप्त होने वाला है, बिल्कुल ही देर नहीं करना है। तो जिंक के निष्कर्षण के लिए सबसे पहले आप लिखने वाले हैं क्या चीज, बोलिए, जिंक के अयस्क। तो ये जल्दी जल्दी लिख देते हैं, जिंक के अयस्क। एक्चुअली जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं स्टूडेंट्स, ये टॉपिक ही बहुत छोटा है और जितना ही छोटा उतनी ही मासूम, उतनी ही प्यारा है। तो देखिए ना, जिंक की कौन कौन से अयस्क हैं। जिंक का पहला अयस्क हम लोग लिखेंगे जिंक ब्लेंड, सूत्र होता है ZnS, आप जानते ही होंगे, चलिए कोई बात नहीं। उसके बाद हम लोग क्या लिखे, जिंकाइट, सूत्र क्या होता है आप जानते हैं, ZnO। अच्छा, कैलामाइन भी लिख देते हैं, कैलामाइन, सूत्र क्या होता है, CaCO3। बस हो गया काम खत्म। अब देखिए अगला बात, अब इसका निष्कर्षण करने वाले हैं, जिंक का निष्कर्षण। जानते हो कौन से अयस्क से, सब जानते हो आप लोग, सब पता है, जिंक का निष्कर्षण करेंगे हम लोग जिंक ब्लेंड अयस्क से। और तो आइए लिखते हैं जिंक का निष्कर्षण। ध्यान देना स्टूडेंट्स, तो जिंक का ये निष्कर्षण है। तो कौन सी विधि से, सबसे पहले तो आपने अयस्क चुना, ZnS अयस्क, यही अयस्क है ना आपका, तो ZnS अयस्क से जिंक का निष्कर्ष। अब बताइए सबसे पहला स्टेप, कॉन्सेंट्रेशन। आप कह रहे होंगे कि इतनी भी जल्दी करने की क्या जरूरत है, छोटा है तो सोच रहे जल्दी में रगड़ दिया जाए। तो कॉन्सेंट्रेशन कौन से मेथड से करेंगे स्टूडेंट्स? अरे निश्चित बता रहे होगे यार, सल्फर देख रहे हो ना, नजर जा रही है ना आपके यहाँ सल्फर पे। ये जो सल्फर वाले भाई है ना, आपको चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि मेरा कॉन्सेंट्रेशन कौन से विधि से, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड से करिए। तो चलिए हमें क्या जाता है, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, हिंदी में क्या कहते हैं, फेन प्लाउन विधि, फेन पलावन प्रक्रम या विधि कुछ लिख दीजिए। अब आइए, जब कॉन्सेंट्रेशन कर देंगे तो अगला स्टेप क्या होगा? अच्छा एक बात, अब यहाँ पर आपकी मर्जी, आप थोड़े रिलैक्स हैं, निश्चिंत हैं, पानी में नहीं डूब रहे हैं, तो आप रिलैक्स होकर लिखिए कि जिंक सल्फाइड अयस्क को महीन छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं, कूटते हैं, पीसते हैं, फिर जाकर के फेन पलावन विधि से उसका सांद्रण करते हैं। इतना आप करिए, फुर्सत में है तो मजे में। दूसरी चीज, अगर पानी में डूब रहे हैं तो इतना ही से काम चल जाएगा। उसके बाद अगला स्टेप कौन सा है अपनाने वाले हम लोग? तो अगला जो स्टेप है कॉन्सेंट्रेशन के बाद, या तो रोस्टिंग या कैल्सिनेशन में से कोई एक करते हैं। तो सल्फर दिखा, मुझे इसको ऑक्साइड में बदलना है, तो मुझे ऑक्सीजन तो चाहिए ना। देखो तर्कपूर्ण बात होनी चाहिए, जल्दी का मतलब कि खत्म नहीं करना चाहते हम। तो यहाँ पे सल्फर दिखा तो आपको ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करना है, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करना मैंने रोस्टिंग, जारण या भर्जन जिसको कहते हैं। तो आइए लिख देते हैं, ये हो गया आपका रोस्टिंग। तो रोस्टिंग में स्टूडेंट्स आपको याद रखना होगा कि प्रवर्तनी भट्ठी में सांद्रित जिंक सल्फाइड अयस्क का रोस्टिंग किया जाता है। एक बार फिर से बोलें, प्रवर्तनी भट्ठी में सांद्रित जिंक सल्फाइड अयस्क का रोस्टिंग माने जारण किया जाता है और टेम्परेचर को लगभग 900 डिग्री सी रखा जाता है। टेम्परेचर कितना रखा जाता है, तो लगभग लगभग 900 डिग्री सी रखा जाता है। इससे होता क्या है, तो होगा तो वही जो मंजूर खुदा होगा, आपको यकीन है? चलिए यकीन है तो लिखते हैं, ZnS प्लस O2 बदल जाता है ZnO, देखिए ऑक्साइड में बदल गया और प्लस SO2 निकल गया। अब आप चाहे तो इसको बैलेंस कर लीजिए, दो लगा दीजिए, दो लगा दीजिए, सल्फर यहाँ पर दो हो गया, तो यहाँ पर दो, दो दुनी के चार, दो छः, तो यहाँ पर तीन लगा दीजिए।
अच्छा स्टूडेंट्स, एक बात और बता दें कि होता क्या है कभी कभी कि जो ZnS है ना, जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो बदल जाता है सीधे ZnSO4 में, ठीक है। तो जब ये ZnSO4 में बदल गया, आप चाहें तो यहाँ पर दो लगा के इसको बैलेंस कर सकते हैं। तो अब क्या करते हैं, फिर जब ये गर्म होता है, इसको जब हीट करते हैं तो ये टूट जाता है ZnO SO2 + O2। मैंने आप फाइनली देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स कि आपके पात्र में क्या मिला, तो आपको ZnO ही मिला, ऑक्साइड मिल गया। तो अब उसके बाद रोस्टिंग के बाद क्या करेंगे, तो रोस्टिंग के बाद यहाँ पर रिडक्शन मैंने अपचयन कर देते हैं। तो अगला स्टेप हो गया आपका रिडक्शन मैंने अपचयन, रिडक्शन। तो रिडक्शन के लिए आप क्या करते हैं, देखिए रोस्टेड ओर का दो हिस्सा और एक हिस्सा कोक, ध्यान दीजिए रोस्टेड ओर का कितना हिस्सा, दो हिस्सा और एक हिस्सा को क्या लेते हैं, कोक लेते हैं, माने आप कार्बन ले लेते हैं और फिर उसको जो रिटोट होता है उसमें आप फेरिटोट उसमें उसको गर्म करते हैं। गर्म करने से क्या होता है, मैं चाह रहा हूँ कि नीचे ही लिख दूँ, जगह है थोड़ा सा हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ZnO + C, ध्यान रखिएगा कि जिंक ऑक्साइड कितना है, तो दो हिस्सा एक हिस्सा कोक, और देखिए ना बड़ा प्यारा सा चीज दिखाई दे रहा है आपको, ZnO + CO कार्बन मोनोऑक्साइड, ये निकल गया पात्र में, क्या बच गया, जिंक। इस तरह से काम तमाम हम लोगों का नहीं, जिंक के निष्कर्षण का। स्टूडेंट्स आपसे मैं गुजारिश करूंगा, अगर आप 12वीं क्लास के स्टूडेंट हैं, आपको एग्जाम देना हो तो आप इसको लैंग्वेज में पूरा लिखेंगे। लैंग्वेज का मतलब जैसे ये तो लिख ही देंगे, फिर उसके बाद लिख देंगे कि जिंक का निष्कर्षण जिंक ब्लेंड अयस्क से किया जाता है, इसमें मुख्य चरण निम्नलिखित हैं, पहला चरण है कॉन्सेंट्रेशन, लिखेंगे जिंक ब्लेंड अयस्क को महीन टुकड़ों में तोड़कर फिर उसको पाउडर के रूप में पीस करके फिर विधि के द्वारा सांद्रित किया जाता है। मनमरे आए तो थोड़ा और बढ़ा दीजिए, सांद्रण में कौन कौन सी प्रक्रिया करते हैं, कैसे उसमें झाग उत्पन्न करने वाले पदार्थ, झाग को अस्थाई करने वाले पदार्थ लेते हैं, आपकी मर्जी लिख दीजिए, आप स्वतंत्र देश के निवासी हैं, आपको कौन रोकेगा। फिर उसके बाद लिखेंगे अगला स्टेप होगा रोस्टिंग मतलब जारण, लिखेंगे सांद्रित अयस्क को क्या करते हैं, प्रवर्तनी भट्टी में लेते हैं, 900 डिग्री सी के आसपास टेम्परेचर करते हैं और फिर उसको गर्म करते हैं, जिससे आपका जिंक सल्फाइड जो अयस्क होता है वो जिंक ऑक्साइड में बदल जाता है। बाकी बातें भी आप लिख सकते हैं, सल्फर हो तो SO2 बन के निकल गया, फास्फोरस हो तो वो क्या होगा, P4O10 बन के निकल गया, आर्सेनिक है तो आपको पता है क्या क्या होने वाला है, आपका अयस्क छिद्रयुक्त हो गया, ये सारी बातें आप पे डिपेंड करते हैं, लिखना है तो लिख डालिए कोई बात नहीं। उसके बाद है रिडक्शन मैंने अपचयन, हिंदी में कहते हैं इसको अपचयन कहते हैं स्टूडेंट्स, अपचयन। तो यहाँ पर लिखेंगे कि जो रोस्टेड ओर होता है उसमें कोक मिलाते हैं, तो 2:1 रोस्टेड ओर का और 1:1 कोक लेकर के और उसको गर्म करते हैं, जिससे जिंक प्राप्त होता है, वोलाटाइल जिंक प्राप्त होता है। तो फिर हमारी और आपकी भेंट अगले वीडियो में होगी, तब तक के लिए छोटे से प्यारे से वीडियो में आपका स्वागत था। आपकी इच्छा अगर मन करे तो थोड़ा बहुत कभी कभी शेयर कर दीजिए कहीं कहीं। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा और मुस्कुराते भी रहिएगा हमेशा।